देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। कश्मीर मुद्दे से बौखलाए पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जो इमरान खान कश्मीर के लोगों के लिए परेशान दिखाई दे रहे थे और वहां मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कर रहे थे, अब वो पीओके को लेकर फंसते जा रहे हैं। बता दें कि गुलाम कश्मीर में उठी आजादी की मांग ने इमरान सरकार के सिर दर्द को और बढ़ा दिया है। उसने भारत के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आजादी की मांग उठ रही है, जिससे खान सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। जी, आजादी को लेकर यहाँ के लोगों की आवाज लगातार बुलंद हो रही है। इन लोगों के साथ पाकिस्तान बड़ी ही बेकार तरीके से पेश आता है। साथ ही पुलिस ने यहाँ आजादी की मांग कर रहे 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार पुलिस इन लोगों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल कर रही है। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प भी देखने को मिली। बता दें ये झड़प शनिवार को मुजफ्फराबाद में नियंत्रण रेखा के करीब देखने को मिली। ये प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। इस इलाके में मोबाइल फोन सर्विस को भी बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मोहम्मद समीर के नेतृत्व में इस मार्च का आयोजन किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान सरकार के दमनकारी शासन की निंदा की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उनके साथ नौकरी में भेदभाव किया जा रहा है। करीब 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के बैनर तले रैली निकालकर अपना विरोध जताया। लोगों का यहाँ तक कहना है कि पीओके में उन पर जो जुल्म हो रहे हैं उन्हें बता पाना तक उनके लिए बेहद मुश्किल है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान से स्वतंत्र कश्मीर की मांग की। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कश्मीर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो लिखी तख्तियां लेकर रखी थी। पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी के जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की। साथ ही प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी हुई हो। कई बार पीओके के लोग पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर चुके हैं। पीओके के लोगों का कहना है कि उनके साथ हमेशा से ही भेदभाव किया जाता है और जुल्म ढाई जाते हैं। जिला पुलिस प्रमुख ताहिर महमूद कुरैशी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारी लगातार LOC की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो कुछ लोग पहाड़ियों पर चढ़ गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके। ऐसे में पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कुरैशी ने दावा किया कि भारत की तरफ से होने वाली गोलीबारी में लोगों को जान माल का नुकसान नहीं हो, इस कोशिश में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई है। DIG ने कहा है कि झड़प में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, जिसमें 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से एक की हालत गंभीर है। जीएन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ नौकरी में भेदभाव कर रही है, उन पर जुल्म कर रही है। वहीं पाकिस्तान के वजीर आजम का मानना कुछ और ही है। उनको लगता है कि भारत कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।